हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का लेके कुछ रिलेटेड है कि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर 2 तारीख को सर टीचर से आप बात कीजिए, सर फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए बात कीजिए, सर 2 तारीख का क्या है, सर उस मैटर पे वीडियो बनाइए। देखिए क्या है, आप देख ही रहेंगे कि हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपके लिए दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए कुछ स्टूडेंट का जो है दर्द है उसका क्या कीजिए, आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं 2 तारीख का लेके। मोहन कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी की पावन नगरी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। मैंने ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में भरा था, जिसको अब 2.5 साल बीत चुके हैं और परीक्षा को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कब होगी। भारत सरकार और रेलवे बोर्ड से मेरा अनुरोध है कि परीक्षा जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। हम लोग अब तैयारी करते करते बिल्कुल थक चुके हैं और हम लोग कहीं दूर इलाहाबाद तैयारी कर रहे थे, अब पैसे की बहुत ही कमी हो गई। तो हम लोग 5 लोग दोस्त हैं और साथ में बैठ करके एक गांव के बाहर ही रूम लेकर के पढ़ रहे हैं। हमारी पारिवारिक स्थिति भी बहुत ही नाजुक है, तो अनुरोध है कि जल्द से जल्द परीक्षा करवाने की कृपा करें। ये हमारे दोस्त भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारी तरफ से भारत सरकार से निवेदन है वो जल्द से जल्द पेपर कराए, अन्यथा हम लोग को घर से। मेरा नाम शुभम मौर्य है, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले का रहने वाला हूं। मैंने ग्रुप डी का फॉर्म मार्च 2019 में अप्लाई किया था, जो कि आज 2.5 साल बीत गए हैं, जो कि लंबा पीरियड होता है। मैं रेलवे बोर्ड और सरकार दोनों से आग्रह करता हूं कि परीक्षार्थियों की परेशानियों को समझें और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराएँ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है कि हम लोग और अफोर्ड कर सकें, तो इससे आग्रह जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराएँ, जो कि 2.5 साल हो गए हैं। बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड भी बदल गया है, मेरा ही ले लीजिए, मैं चश्मा नहीं लगाता था, चश्मा लगाने लगा। इसी तरह बच्चों और परेशानियां होंगी विद्यार्थियों को, तो रेलवे बोर्ड से आग्रह है कि जल्द से जल्द एग्जाम कराने की आग्रह है। देखिए केवल यही वीडियो नहीं है, और भी है। देखिए एक स्टूडेंट का आज ही है जो कि उड़ीसा से उनका मैसेज आया है, वो स्टूडेंट उड़ीसा से है। वो बोल रहे हैं कि वो डेली मजदूरी करते हैं, वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, 3 से 4 घंटा रात को अपना बस पढ़ते हैं। उनका फादर का भी 2 साल पहले देहांत हो गया है, उनका भी मैसेज आया सर कुछ कीजिए। आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए, देखिए आपको उनका जो मैसेज है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। काफ़ी सारा का स्टूडेंट का भी सपोर्ट रहता है, वो लोग भी हमको ऑडियो भेजते हैं, सर हम आरआरबी में यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम वहाँ बात कर रहे हैं। देखिए जो हमको जेन्युइन लगता है हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट का जो है कुछ नेगेटिव टाइप से कमेंट आता है। आप देख रहे होंगे कि हम टीचर्स के पास भी जाते हैं, सब कुछ, मतलब कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपना, हम 100% नहीं बोल सकते, 50% अपना मानते हैं कि 10% तो अपना एफर्ट आपके लिए ज़रूर लगाते हैं। आप हमारा अगर वीडियो डेली रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपना कितना एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूं। मैं सबको, मैं क्या कर सकता हूं, सबके हो सके कुछ स्टूडेंट को गलत लगा होगा, सबको मैं मतलब खुश नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है कि मेरा जो बात है उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मेरा एक भी काम से कम 10% का भी स्टूडेंट का अगर उनका अगर जीवन में कुछ मतलब सुकून मिल जाए कि हाँ चलिए अब आ सकता है, क्या है एक थोड़ा सा ये जो वीडियो बनाते हैं उससे थोड़ा सा एक बोर्ड पे भी प्रेशर पड़ता है। हमारा जो है आपका भी इतना प्यार से हमारे पास जो है इतना सपोर्ट आ जाता है कि कहीं ना कहीं से हर एक टीचर्स के पास, बोर्ड के पास कहीं ना कहीं हमारा वीडियो भी वहाँ पर जा रहा है। बस प्रेशर को लेवल बनाने के लिए हम डेली कुछ ना कुछ क्या करते हैं, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट अगर जो जेन्युइन लगता है वो हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे जो मेरा है, अगर 10% लड़का को भी या फिर स्टूडेंट को भी, हमारे दोस्त को भी, भाई को, बहन को, किसी को भी अगर हमसे अगर 10% भी फायदा होता है तो हम आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। अब देखिए 2 तारीख का क्या अपडेट है। 2 तारीख के लिए है कि टीचर सबसे सभी से बात हो रहा है और ग्रुप डी का और एनटीपीसी का लेके भी जो हम एक ऑडियो दिए थे वहाँ पे एक स्टूडेंट का द्वारा ही, वहाँ पे मे बी क्लर्क से या किसी से बोर्ड में ही बात हुआ है, आप देखे होंगे, तो वहाँ पे दिसंबर बोला जा रहा है। देखिए बात वो नहीं है, दिसंबर तक का बात नहीं है, बात है कि एक एग्जैक्ट एक कैलेंडर आ जाना चाहिए कि नोटिस आ जाना चाहिए कि कब एग्ज़ाम होगा। देखिए इसके लिए 2 तारीख का क्या मैटर है, 2 तारीख को जो है हम कॉन्टैक्ट भी करेंगे, आज हो सके तो कुछ देर बाद हम सर को कॉल करेंगे, नवीन सर को भी कॉल करेंगे, एसके झा सर को कॉल करेंगे, जितने भी पटना के टीचर्स हैं हम जाके हो सके हम अपने तरफ से हम स्पेशल मिलेंगे कि सर 2 तारीख के लिए काफ़ी स्टूडेंट का ये आ रहा है, सर क्या किया जाए, स्टूडेंट सर बहुत परेशान है, आप वीडियो में भी देखे होंगे, और जो भी प्रोसेस आएगा हम आपको बहुत जल्दी 2 तारीख के लिए अपडेट है। ऐसे बता दें काफ़ी सारे टीचर्स के, यूट्यूबर्स के बात हो रहे हैं कि 2 तारीख का लेके कुछ ना कुछ
जो भी होगा पॉजिटिव ही उसके ऊपर डिसीजन होगा। मे भी हो सके बहुत बड़ा स्ट्राइक के तौर पे शायद नहीं हो पाए, परंतु कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, परंतु दो तारीख होगा। वैसे सर लोग भी बोले थे कि दो तारीख के लिए कुछ ना कुछ होगा, हम लोग सर का भी वेट कर रहे हैं और ऊपर से बात भी करते हैं कि सर क्या किया जाए स्टूडेंट के लिए। सर कुछ ना कुछ तो जरूर किया जाए, इतने स्टूडेंट परेशान हैं। और देखिए आपका जो वीडियो आता है, वीडियो को आप क्या कीजिए, एक से दो मिनट का तकलीफ का वीडियो बना के आप क्या कीजिए, आप हमको शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी होगा, देखिए प्रेशर को जनरेट रखना हमेशा जरूरी है, कोई ना कोई किसी के पास तो पहुंचेगा। भारत का जनता तो एटलीस्ट देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, जो रियल में स्टूडेंट का क्या है। इसीलिए मैं आपको जब भी होगा आप अपना वीडियो बना के एक से दो मिनट का आप हमको भेजिए। जब भी थोड़ा सा भी लगे हाँ अब हमको ये वीडियो अपलोड करना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर जरूरी है, सरकार जो है चुप्पी है बैठ कर ये हो गई है, उनके लिए जरूर कीजिए। और हम अगर हमारा कोई भी रेलवे का स्टाफ बोर्ड कोई भी हमारे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा स्टूडेंट का दर्द को समझिए। काफ़ी स्टूडेंट परेशान में हैं, हम सभी स्टूडेंट की तरफ से आप लोगों स्टूडेंट की तरफ से हम हाथ जोड़ते हैं कि कृपया करके, मैंने काफ़ी दिन हो गया यार, 2.5 साल का मतलब ये हो गया स्टूडेंट के साथ मजाक बना के रख दिए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा कहीं से भी हो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। शायद मेरा ये वीडियो बड़े अधिकारी तक नहीं पहुँचेगा, पर जो है स्टाफ है रेलवे के स्टाफ क्लर्क वहाँ तक वीडियो ये हमारा पहुंच सकता है। आप लोग का इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। और आप जरा सा भी अगर हल्का सा अगर और प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो जरूर हम लोग जहां तक हो सके, हम हो सके तो ऑफिस में भी डायरेक्टली बात करने जा सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतना स्टूडेंट का सपोर्ट है सर, हमारे पास इतना स्टूडेंट है। सो आप अपना प्यार भी बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो भी अपडेट होगा हम आपको दे देंगे।